गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रीमा गुप्ता। दिस इज़ हिंदी ग्रामर क्लास। ये हमारा रिवीजन क्लास है जिसमें हम लोगों ने ग्रामर में पढ़ लिया। भाषा है, वर्ण है, संज्ञा है, लिंग वचन, ठीक है। तो हम आज अपना हमारी भाषा ये चैप्टर हम रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है कि भाषा क्या होती है और भाषा की क्या उद्देश्य है, कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त, दूसरे के सामने व्यक्त करना ही जो है भाषा है, ठीक। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, सॉरी, ठीक। एक तीसरी भाषा भी होती है, जैसे कि जो मैंने आप लोगों को बताया था, सांकेतिक भाषा, ठीक है। लेकिन उसका वर्णन जो है इसमें नहीं किया गया है, तो अभी हम सिर्फ मौखिक भाषा और लिखित भाषा को ही देखेंगे। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो कि मुंह से बोलकर अपने विचारों को व्यक्ति सामने वालों को बताता है, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, वह मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा वह होती है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं को वर्णों या शब्दों में व्यक्त कर लिख कर व्यक्त करता है, ठीक है। तो यह हो जाती है हमारी लिखित भाषा, ठीक। इसमें देखिए दिया हुआ है कि भाषा, आप कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, आप कौन सी, हिंदी, अंग्रेजी और भी उर्दू, फारसी, जो भी, ठीक है। आपके आसपास कौन सी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और उन भाषाओं के नाम जानकर कक्षा में बताएं, मतलब कि कक्षा में इनका वर्णन आप लोग को किया गया है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ये देखिए मौखिक भाषा, लिखित भाषा क्या है, ये लिख कर, इस पिक्चर में देखिए लिख कर वो अपने भावनाओं को, अपने विचारों को बता रही है, तो ये क्या हो गया, हमारी लिखित भाषा हो गई। मौखिक भाषा यानी कि मुंह से टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके जो अपनी भावनाओं को बता रहे हैं। और सांकेतिक भाषा वह होती है जिसमें किसी भी शब्द को कहने का एक संकेत चिन्ह होता है, वह हमारी सांकेतिक भाषा होती है, ठीक।